नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएस अकेडमी। और दोस्तों आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 से रिलेटेड। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिल और दिमाग में एक सवाल चल रहा है कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 में क्या बीएड वाले शामिल हो सकते हैं या बीएड वालों को इसी पात्रता मिल सकती है कि वो फॉर्म डाल सकें, और यदि फॉर्म डाल भी दिया उनका सिलेक्शन हो भी गया तो क्या उनको ज्वाइनिंग मिल सकती है। दोस्तों आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे और आपको क्लियर करेंगे कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 में बीएड वालों का क्या क्राइटेरिया रहेगा और किस क्राइटेरिया के माध्यम से उनको ज्वाइनिंग मिल पाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यदि वर्ग 1 और वर्ग 2 का जो रिजल्ट आ रहा है उसमें आपका यदि सिलेक्शन हो गया है और आपकी ज्वाइनिंग हो गई है तो आपको बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयां, एडवांस में बधाइयां दे रहा हूं। और यदि जिन स्टूडेंट्स का वर्ग 2 में और वर्ग 1 में नहीं हुआ है तो आप चिंता ना करें, आपको न चिंता करने की जरूरत है। अब आपके साथ में वर्ग 3 आने वाला है और वर्ग 3 में आपको पता है कि 10,000 वैकेंसी आएंगी। तो दोस्तों इन 10,000 वैकेंसी के लिए आप बहुत लगन से मेहनत करने की आवश्यकता है। यदि आप सोचते हैं कि यार जैसे ही हमने वर्ग 1 में या वर्ग 2 में तैयारी की, यदि इस तरीके से तैयारी करते हैं तो वहां भी आपके चांसेस जा सकते हैं, तो दोस्तों सबसे बेस्ट ये तरीका होगा कि आपको वर्ग 3 में बहुत ही लगन से, मेहनत से, ईमानदारी से और अपने टाइम की पंक्चुअलिटी के अकॉर्डिंग काम करना होगा। दोस्तों यदि 10,000 में आप एक पोस्ट चाहते हैं तो 100% आपको एक पोस्ट मिलेगी, लेकिन उसके साथ साथ आपको मेहनत करनी जरूरी होगी, ईमानदारी से मेहनत, अपने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा। यदि आप टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों देखिएगा, यदि वर्ग 3 में सपोज गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया कि भैया वर्ग 3 में बीएड वाले भी एलिजिबल हैं, यदि वर्ग 3 वाले फॉर्म डाल सकते हैं तो इस किस वजह से और किस प्रोसेस के माध्यम से डालेंगे, तो उसका सीधा सीधा सिस्टम है कि दोस्तों जो बीएड वाले हैं, बीएड वाले इसके लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन जो बीएड वाले होते हैं उस बीएड वाले एक्चुअल में क्या होता है, हायर लेवल के लिए होते हैं। लेकिन मेरा ऐसा सोचना है कि यार यदि बीएड वाले हायर लेवल के लिए होते हैं तो लो लेवल को पढ़ा सकते हैं, गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए। लेकिन उन्होंने एक टर्म्स ऑफ कंडीशन बना दी ऐसी कि यदि बीएड वालों का सिलेक्शन हो जाता है तो आपको सिलेक्शन होने के बाद एक 6 महीने का ब्रिज कोर्स आता है। तो दोस्तों आपको वर्ग 3 में पढ़ाने के लिए बीएड के साथ साथ अब एक 6 महीने का आपको ब्रिज कोर्स भी करना पड़ेगा। तो दोस्तों यदि आप वो ब्रिज कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। दोस्तों आपको पता है कि जिसकी पटवारी की एग्जाम हुई थी, पटवारी में उन्होंने मांगा हुआ था कि सीपीसीटी कंपलसरी है, यदि आपके पास सीपीसीटी नहीं है तो आपको टाइम दिया गया था, आपको 2 साल का टाइम दिया गया था। तो दोस्तों आप उस 2 साल में सीपीसीटी कंप्लीट करके अपनी मार्कशीट उनको सबमिट कर सकते थे। तो दोस्तों इसी सेम कंडीशन इसमें भी होगी वर्ग 3 में, कि यदि आपने बीएड किया है और बीएड के बाद आपने वर्ग 3 का फॉर्म डाल दिया और आपका सिलेक्शन होगा और आपकी ज्वाइनिंग के लिए आप एलिजिबल हैं तो आपको 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। उस ब्रिज कोर्स के माध्यम से आपको वर्ग 3 में ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, वर्ग 3 के लिए मैं एक टाइम टेबल बनाने वाला हूँ कि वर्ग 3 को आप किस तरीके से तैयारी करें और कौन से सब्जेक्ट पर कितना फोकस करें और कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम दें, इसकी हम संपूर्ण स्ट्रेटजी आपके साथ लेकर आएंगे। और यदि आप इसी स्ट्रेटजी को चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिएगा। और दोस्तों मैं वर्ग 3 की बेहतरीन तरीके से तैयारी कराऊंगा, तो आपको बता दूं कि यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन का साइन आता है उस पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो और लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और दोस्तों एक बार फिर से आपको बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयां वर्ग 3 की, आप अच्छे से तैयारी करें, मेहनत से तैयारी करें, हम आपके साथ हैं और जो मेहनत बनेगी हम पूरी करेंगे। और यदि आपके भी कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा।